देखो, एक होता है डार्क ह्यूमर, एक होता है डार्केस्ट ह्यूमर, और एक है ये गैंगस्टर का ह्यूमर, जो कि इनको छितरी सी लड़कियों के पास है। ये मेरी बहन सेजल हॉस्टल में रहती है, मैं सोची इसको अचानक से मिलकर सरप्राइज करूं, क्योंकि मम्मी पापा इस पर बहुत खर्च रहे हैं, यही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगी, ये बहुत मेहनत करके, आओ देखते हैं। देखो इनकी बात तो मुझे ऐसा लगता है समय रैना जमान गोटा पी के बोल रहा हो। नहीं, दो चार भुक्त रोग की बात करके अपने आप को डार्क कॉमेडियन समझ रही है। अरे बहन, भुक्त रोग छोड़ो, अपने मानसिक रोग पे ध्यान दो। वह वीडियो सिर्फ बकचोदी के पर्पस से बनाया गया है। अगर किसी के अरमानों को ठेस पहुंचती है तो कृपया अपनी माँ बताए, धन्यवाद। वेलकम बैक बॉयज, हाल चाल है? तुम लोग चकाचक होंगे और आगे भी चकाचक रहेंगे। देखो, इन लोगों का डार्क जोक तो तुमने सुना ही होगा। हाँ, मुझे पता तुमने गाली दी होगी, लेकिन सुने तो पक्का है। तो चलो यार, थोड़ी सी बकचोदी, नहीं, आज तो ज्यादा ही बकचोदी करेंगे, और इनके जो डार्क जोक है ना, उनकी माँ भी नहीं की कर देंगे। मैं नहीं मानता। देखो, मैं इनको क्या क्या नहीं बोलूं यार, मतलब मैं इन्हें गाली भी दूंगा ना तो मेरा ही मुंह गंदा होगा, और तो उस गाली की भी इज्जत घट जाएगी। देखो, इनको अगर हम कुत्ता, अरे तो मेन तो इनको अगर हम कुतिया सुल्टी कुछ भी बोलेंगे ना, तो हमारे ऊपर एनिमल एब्यूज का केस लग जाएगा। तू समझा? जैसे वो आदिमानव अरोड़ा ने लगा दिया 7 यूट्यूबर पे। बड़ा हरामी हो बेटा। देखो, इन लोगों ने अपनी जिंदगी में इतनी उपलब्धि हासिल करी है, ये जहाँ भी जाती है ना बस गाली खाती है, और तो और लोग इन्हें नोता दे के बुलाते हैं ताकि इन्हें गाली दे सके। क्या बढ़िया था गुरु। ये उन दो घरगुंडियों का जोड़ा जिन्होंने हर ब्रह्मचारी पालन करने वाले का सपना तोड़ा है। सही बात है। तो जो हमारी पहली प्रतियोगी है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, थोड़ी सी मानसिक रोग, काजल पांडे। मेरे सब दोस्त कहते हैं मैं लड़कों जैसी दिखती हूँ, लेकिन मैंने ऐसी लड़कों वाली कौन सी हरकत कर दी जिसकी वजह से उन्हें मैं ऐसी। संडे हो या मंडे, इसको रोज चाहिए डंडे, वो भी अपने अंदर हो रहा है डाक हो रहा है गुल्लू। अरे बहन, तो ये बता तेरी ऐसी कौन सी हरकत है जो लड़कियों वाली है, और बस हो गई तेरी डार्क कॉमेडी, यही थी। देखो, हंसना तो मुझे बहुत आया यार इसके पेरेंट्स पर, क्या ही पानी भी रहा। नहीं, क्या क्या सपने देखे होंगे उन्होंने, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, और बेटी क्या बन रही, प्लेइंग कुतिया, कुत्ता डिगर। इमोशनल डैमेज। वैसे गलत कहते हैं तेरे दोस्त, तेरी हरकत लड़कों जैसी नहीं, कुत्तों जैसी है। इसको जहाँ भी कुत्ते दिखते हैं ना, जाकर चिपक जाती है, जिसमें दो कुत्ते नहीं चिपक जाते आपस में। अरे मैया, तू क्या देख लियो? नहीं, तुझे क्या लगता है तूने क्या करा? काश यही हरकत तेरे पिताजी कर लेते उस दिन, तो आज हम लोग को रंडा पानी देखना पड़ता। भैया, कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था, फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली, उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी, उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। बस इसीलिए मैं किसी को लिफ्ट नहीं देता यार, वो बेचारा लड़के, वो तो रेप केस भी लगा सकते यार। तो साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नहीं, यही है इसकी डार्क कॉमेडी, कॉमेडी के नाम पर रेप प्रमोट करना। सही बात है। इसका सिंपल सा फंडा है, इसको पता है लोग इसे क्या कहते हैं, तो वो चीजें अपने आप को पहले ही बोल लेती है, ताकि लोग कुछ ना कह पाए कि ये चीज तो मैंने खुद ने बोल ली अपने आप को। ये गड़बड़ है बाबा। यार, तुझे लगता है कि ये सब करके तो फेमस हो जाएगी? तो सही लगता है यार, क्योंकि आजकल के लोग तो चूतिया है ना, वो देखे हैं जो भाई लड़की से बातें बोल रही हो, भाई ये तो डार्क होगा। और भाई, अरे अबे शर्म कर रहे थोड़ी। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। पर जितनों को इसका डार्क ह्यूमर अच्छा लगता है ना भाई, चिंता मत करो, तुम्हारा भविष्य इससे भी ज्यादा डार्क होने वाला है। व्हाट अ वेस्ट ऑफ अ स्पर्म। मेरे से एक जना कह रहा था कि मेरे में बुराई है, तो उसे बता दूं कि आई नहीं है, शुरू से ही थी मेरे पास। अगर अगली बार मेरी फीट पे आ गए ना, ऐसा घुमा कर एक टा मारो, मैं यहां से फिर बोलती रहना टट्टी करी नहीं है मैंने, ये तो मेरे अंदर पहले से थी। तो मैं इसे जितनी गाली दूंगा ना, कम पड़ेगी, उससे ज्यादा तो ये खुद ही अपने आप को बोल लेती है। बात तो सही है। तो चलो, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रतियोगी की ओर, जिसने बना लिया इसकी तरह अपनी इज्जत का मुंह। सेजल, उसको भुलाने के लिए मैंने बोतल का सहारा लिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? भाई, अंदर बोतल ही टूट गया। भाई, इसके जोक बहुत डार्क है यार, फिर पता नहीं क्यों इसके जोक इसकी शकल से मैच नहीं हो रहे। क्या कुछ भी क्या बोल रहा है? क्या मैं से काली वाली थोड़ी बोल रहा हूँ यार। देखो, अगर मुझे कुछ कहना होता ना, मैं सीधा सीधा बोल देता ना, कहता भैया इसे बूटे से बांध के रखो, लेकिन मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं ना। गजब बेइज्जती है। उसको भुलाने के लिए इसने बोतल का इस्तेमाल किया, मुझे तो लग रहा है भैंस पाली आ रही है। देखो, जो गांव से होगा वो समझ गया होगा, और जो भी समझे ना कमेंट में बताओ क्या समझे। ये प्रेग्नेंट औरत सड़क पर भीख मांग रही थी, कह रही थी उन्हें बच्चा होने वाला है, मेरे पास एक रुपए भी नहीं है, तो मुझे लगा मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने इसको 2 पैकेट आईपिल की गोली दी। कैसा लगा भाई? ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई मुर्रा भैंस रंपा रही हो। भाई, इसकी पानी थोड़ा गई यार, इसको बांध लो यार चुपचाप। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखो, इन दोनों की हरकतें बच्चों की तरह है, बस फर्क इतना है कि वो पेंट में हंसते हैं और ये रील पर। लोग जीबी रोड पर जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सारा जीबी रोड बस इन पे आ रहा है, लेकिन वहाँ जाने वाले पैसे देते हैं और ये भी पैसे देती है। तू समझा? लेकिन फिर भी इन्हें कोई नहीं मिल रहा है, कुत्ते भी नहीं मार रहे। देखो, इनके जो जोक है ना, उनकी लेवल इतनी बढ़ गई है ना, अगर उससे कंपेयर करूँ ना, तो मुझे समय रैना के मोटिवेशनल ज्यादा अच्छे लगते हैं।
नहीं तू समझा नहीं। देखो ये दोनों अगर बंदर होती ना तो ये वो बंदर होते जिन्हें अदरक का स्वाद मालूम होता। अबे साले तभी देखो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा यार क्योंकि मेरे घर वाले मेहनत मजदूरी करके पैसे ला रहे हैं और फिर मुझे जाके दिलजीत के कंसर्ट में रोना भी तो है। सो गाइस दैट्स माय टाइम। यहाँ तक वीडियो देखा तो पसंद आया होगा। पसंद आया तुम पता है क्या करना, वीडियो को लाइक मारो जितना हो सके शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूल मत जाना। और रही बात इन लोगों की तो इनके लिए मेरी तरह से दिल से हेट है यार, इन्हें तो गाली देने की सख्त जरूरत है, गाली देने झूठे देने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल अभी हम वो दे नहीं सकते तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नमस्ते एंड हैप्पी दिवाली। चल बोझड़ी के।